बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करते चलें, FIA ने अदाकारा नादिया ख़ान से साइबर फ्रॉड करने वाले मुलज़िम को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी हां नाज़रीन, कराची में अदाकारा नादिया ख़ान से साइबर फ्रॉड करने वाले मुलज़िम को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक, मदद के नाम पर IT एक्सपर्ट ने नादिया ख़ान को माली नुकसान पहुंचाया। मुलजिम ने सितंबर 2020 में नादिया ख़ान का YouTube चैनल हैक किया। इन्होंने बताया कि IT एक्सपर्ट ने YouTube चैनल हैक करने के बाद Google पब्लिश IT और बैंक की तफसीलात तब्दील कर दीं। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम इमरान रियाज ने बताया कि इस सूरत हाल के बाद नादिया ख़ान के YouTube चैनल की तमाम कमाई IT एक्सपर्ट को जाने लगी थी। इन्होंने बताया कि नादिया ख़ान को फ्रॉड का पता चला तो इन्होंने FIA साइबर क्राइम को शिकायत की। नादिया ख़ान ने एक IT एक्सपर्ट से अपना चैनल भी रिकवर कराया। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम ने मज़ीद बताया कि नादिया ख़ान का दावा है कि नुकसान की रकम 3 गुना ज़्यादा है। इमरान रियाज के मुताबिक मुलजिम हमाद समी को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन, इस खबर को लेकर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।